जो भी दुख है तुम्हारे जीवन में वो है, मैं अगर वो दुख दूर कर सकती तो ज़रूर करती, पर ऐसा नहीं है। सच कहूँ राधा, आशा सबको होती है, मुझे भी थी, जैसे तुम्हें और जगबंधु को थी। काश हमारा वारिस होता तो अच्छा होता, पर वो नहीं है, तो हम उसके दुख में अपनी खुशियाँ क्यों मारे? क्या मैंने कभी तुम्हें जताया उसके बारे में? तो क्यों तुम अपने आप को सजा दे रही हो? अपने आप को जगबंधु से दूर रखना, वो भी अकेला है, तुम भी अकेली हो। अपने अपने दुख के बारे में बात करने से मन हल्का होगा। अनुमति की जरूरत है। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि ये बात इस घर में दोबारा कभी नहीं होगी। क्या तुम्हें लगता है कि वो दूसरा विवाह कर लेगा? इन 12 सालों में कभी उसने जताया तुम्हें? अरे वो ना भी कहे, फिर भी मैं जानती हूँ कि वो संतान के लिए दूसरा विवाह कर ही नहीं सकता। राधा, मेरी बहू तुम हो और तुम ही रहोगी, और तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता, और ये मैं होने नहीं दूंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि अगर वो दूसरी बहू आई ना, तो मैं उसे उतना प्यार नहीं दे पाऊंगी जितना मैं तुम्हें देती हूँ, और ये तो उसके साथ अन्याय हुआ ना। राधा, औरत का जीवन उद्देश्य या सिर्फ संतान को जन्म देना नहीं है। इस कारण ना तुम्हारा विवाह हुआ है और ना किसी का होना चाहिए।